वेरी गुड मॉर्निंग मॉडर्न स्टार्स, होप यू ऑल आर गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू में सबक 5। सबक 5 में हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। इस पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, स्टोरी की जो भी हमारा चैप्टर है उसमें स्टोरी का वन पैराग्राफ, वन पेज पे जितना भी पैराग्राफ रहा होगा, 2 पैराग्राफ पढ़ लिया था हमने। चलिए देखते हैं स्टोरी में आगे क्या हुआ था और हमें एक्सरसाइज क्या सॉल्व करनी है, आज आपका वर्क क्या रहेगा। ओके, लेट्स ओपन आवर उर्दू बुक। स्टूडेंट्स, उर्दू बुक में पेज नंबर 19 पे आपका चैप्टर 5 है, सबक 5, जिसकी हम कहानी पढ़ रहे थे। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था, ठीक है, यहाँ तक एक एक टुकड़ा रखा था। क्या हुआ था थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। 2 बिल्लियाँ थीं जो किसी गांव में रहती थी और उनमें आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, हरदम वो लोग झगड़ा ही करती रहती थी। एक दिन उन लोगों को एक रोटी मिली, दोनों एक साथ रोटी पे झपटी और रोटी के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन वो दोनों इस बात पे भी लड़ने लगी कि एक बोल रही थी एक का टुकड़ा ज़्यादा है, तुम्हारा ज़्यादा है, दूसरी बोल रही थी नहीं तुम्हारा ज़्यादा है। तो वहाँ पर एक बंदर आ गया, चालाक बंदर, क्या नाम है इनका, मोंटी, ठीक है, मोंटी नाम का बंदर आ गया और वो कहता है अरे फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों का हिस्सा बांट देता हूँ बराबर बराबर से। और पास के बनिया के यहाँ से एक वो तराजू लेकर आया और एक टुकड़ा एक तरफ रख दिया तराजू पर और एक टुकड़ा दूसरी तरफ रख दिया है उसने। अब आगे देखते हैं बंदर किस तरह से बिल्लियों में इस रोटी के टुकड़े का बंटवारा करता है, ठीक है, पढ़ते हैं पहले। फिर कहने लगा, मतलब जब दोनों टुकड़े उसने रख दिए तराजू के ऊपर अलग अलग पलड़ों पर, मतलब ये दोनों साइड रख के, फिर बोला, चलिए देखते हैं क्या बोला। और वो एक बिल्ली को मौसी बोल रहा है, दूसरी बिल्ली को खाला बोल रहा है, ठीक है। और बिल्लियों का नाम क्या था, रोमी और पोमी, है ना। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे रिमेनिंग स्टोरी है, पढ़ते हैं हम इसको। आगे क्या हुआ था, बंदर क्या बोल रहा है, बोल रहा है मौसी खाला इस तरफ का टुकड़ा बड़ा है। उसने बोला कि अरे मौसी खाला इस तरफ का टुकड़ा बड़ा है, मतलब तराजू में 2 पलड़े होते हैं ना, दोनों तरफ टुकड़ा रखा था, तो किसी तरफ को इशारा करके बोल रहा है इस तरफ का टुकड़ा बड़ा है। बंदर ने बड़े टुकड़े में से एक थोड़ा सा टुकड़ा खा लिया, है ना, थोड़ा सा टुकड़ा खा लिया, तो पलड़े में जिस साइड बड़ा कह रहा था उस साइड में से थोड़ा सा खा लिया उसने टुकड़ा। मान लो इधर का पलड़ा उसको बड़ा लग रहा था, बोल रहा था कि हाँ इधर का रोटी टुकड़ा बड़ा है, तो उसमें से थोड़ा सा तोड़कर उसने खा लिया। अब दोनों बिल्लियाँ क्या देखती हैं कि दूसरी तरफ का पलड़ा नीचे को होने लगा, मतलब जब एक तरफ का खा लिए तो दूसरी तरफ वाला भारी हो गया, जिधर ज़्यादा रहता है उधर भारी हो जाता है और वो चीज़ ज़मीन की तरफ यानी भारी होने की वजह से नीचे चली जाती है। तो एक साइड का रोटी का टुकड़ा बंदर ने जब खा लिया, एक साइड से रोटी उठा के उसने खा ली, तो वो कम हो गई, इधर वाला पलड़ा नीचे जाने लगा, मतलब दूसरे साइड वाला ज़्यादा हो गया। फिर बंदर ने उसमें से छोटा सा टुकड़ा काट कर खा लिया, फिर जिस तरफ ज़्यादा हो रहा था ये उसमें से फिर नोच कर खा लिया थोड़ा सा, अब इधर वाला भारी हो जाएगा ना, अब इधर वाला ज़्यादा होने लगेगा। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ, इसी तरह बंदर बार बार रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर खाता जा रहा था। एक साइड का खाता दूसरे साइड भारी हो जाता, दूसरे साइड का खाता उस साइड भारी हो जाता, थोड़ा 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 खाता जा रहा था बार बार। दोनों बिल्लियों ने जब देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे रह गए हैं तो बंदर से कहने लगी, भाई मोंटी बंदर, हमारी रोटी के टुकड़ों को हमें दे दो, हम आपस में बांट लेंगे। अब देखो, अब जब वो ज़्यादा खा चुका है, अब इनको समझ में आ गया कि वो धीरे धीरे करके सारी रोटी खा जा रहा है, तो कह रही हैं अरे भाई मुझे वापस ही दे दो टुकड़ा, हम लोग खुद ही बांट लेंगे। मोंटी बंदर ने जवाब दिया, देखो मौसी, तुम जैसे चाहती हो निपट लो,
लेकिन ये बाकी टुकड़े तो मेरे हैं। कितनी देर से मैं तुम्हारे झगड़े का फैसला कर रहा हूँ, ये तो मेरी फीस है। ये बात कहकर बंदर ने बाकी बची रोटी को भी खा ली और दूर पेड़ पर जा बैठा। दोनों बिल्लियां खिसियानी होकर वहां से दबे दबे पैरों चलने लगीं और मानो अपनी नज़रों से ये कह रही हों कि हमको आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। बंदर ने जब सारी रोटी खा ली तो उसने कहा कि जैसा दिल करे निपट लो, मतलब मुझसे चाहे झगड़ा कर लो चाहे जो कर लो, लेकिन अब जो बची रोटी है वो तो मेरी फीस है। और ये कह के उसने जो बचा टुकड़ा था वो खा लिया और जाकर दूर पेड़ पर बैठ गया। अब इन लोगों को, बिल्लियों को एहसास हो गया कि हमें आपस में बेवजह झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इससे यही सीख भी आप लोगों को मिलती है कि कभी कभी थोड़े में ही सुकून कर लेना चाहिए। अगर आपको कम कोई चीज़ मिली है, कोई भी चीज़ है, वो खाने पीने की ही नहीं दुनिया की कोई चीज़, तो उसमें सुकून करना चाहिए। ज़्यादा के चक्कर में जो है वो भी खो दोगे। ओके, चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 21 पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको करवा दिया गया था। जिसने नहीं देखा वीडियो, नहीं किया है, वो कंप्लीट कर लेगा। पहले में है बिल्लियाँ, फिर है रोमी पोमी, फिर है झगड़ा, बंदर, रोटी और लास्ट वन इज खिसियानी। अब आपको नेक्स्ट करते हैं, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। तो हमें जो लाइन सही होगी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग उसके आगे टिक करना है और जो लाइन रॉन्ग होगी उसके आगे क्रॉस करना है। फर्स्ट, पहला क्या है हमारा, पहला है दोनों बिल्लियां प्यार से रहती थी। आपको लगता है प्यार से रहती थी, मरने मारने को तैयार हो गई थी रोटी के लिए, तो बिल्कुल नहीं रहती थी, तो इसलिए क्रॉस। सेकेंड वन इज़ दोनों बिल्लियां किसी जंगल में रहती थी, नहीं किसी गांव में रहती थी ना, तो ये भी रॉन्ग। थर्ड वन इज़ बंदर ने उनका ठीक फैसला कर दिया, क्या बंदर ने सही सही फैसला किया था, ये भी रॉन्ग, वो तो बहुत चालाक था, उसने तो खुद खा ली थी। फिर फोर्थ क्या है, आपस में झगड़ा करना बहुत बुरा है, ये थर्ड वाला यहाँ लगाओगे। और फोर्थ, आपस में झगड़ा करना बहुत बुरा है, ये बात तो सही है इनकी कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में झगड़ा करना बहुत बुरा है, तो उसके आगे टिक करोगे। फिफ्थ क्या है, बंदर बहुत शरीफ था। आपको लगता है बंदर शरीफ था, बिल्कुल भी नहीं, बहुत चालाक बंदर था, तो इसलिए क्रॉस। एंड लास्ट वन इज़ बंदर ने चालाकी से सारी रोटी खा ली, तो ये ट्रू। और ये एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज सही गलत का निशान लगाइए और मैचिंग दोनों आपको कॉपी में करना है। जिसके पास बुक है, जिसके पास नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को कॉपी में करना है। वीडियो देख के आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से भी राइट कर सकते हो, और बुक है तो बुक से राइट कर सकते हो आप, लेकिन कॉपी में राइट करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, दर्ज ज़ेल वाहिद को जमा से मिलाइए। इस साइड पर वाहिद अल्फाज दिए गए हैं, इस साइड पर जमा, आपको बस वाहिद को जमा से मिला देना है। वाहिद जमा जानते हो ना आप लोग, वाहिद मतलब सिंगुलर और जमा मतलब प्लूरल। देखते हैं, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ली, बिल्ली का जमा क्या होता है, बिल्लियाँ ना, तो फर्स्ट को थर्ड में मिलाइएगा, ये बिल्ली का बिल्लियाँ। नेक्स्ट क्या है, रोटी, रोटी का क्या होता है, रोटियाँ, तो सेकेंड को फर्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, हिस्सा, हिस्सा का जमा क्या हो जाएगा, हिस्से, थर्ड को सेकंड में। फिर नेक्स्ट क्या है, टुकड़ा, टुकड़ा का वो जमा क्या हो जाएगा, टुकड़े, लास्ट में लिखा हुआ है टुकड़े, वो मैच करा लिया आपने। फिर नेक्स्ट क्या है, पलड़ा, पलड़ा का क्या हो जाएगा, पलड़े या पलड़ों, हाँ पलड़ों होता है, ठीक है, तो ये सेकंड का नहीं, फिफ्थ है फोर्थ में, ओके। एंड लास्ट वन इज़ पैर, पैर का पैरों, हो गया आपका मैचिंग। ये आपको
कॉपी में राइट करना है और ये भी कॉपी में राइट करना है। आई होप आपको एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी, चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो बची हुई एक्सरसाइजेज होगी वो करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। और सारे स्टूडेंट करेक्शन के लिए व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करेंगे।